प्रोजेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, कैसे शुरुआत करें, कैसे पढ़ाई करें जिससे हमें फिजिक्स को समझना आसान हो जाए और हम बेहतर प्रदर्शन कर पाएं नीट 2023 के अंदर। तो ये वीडियो बहुत ही एक्सक्लूसिव है नीट 2023 वाले एस्पिरेंट के लिए जो कि फिजिक्स को बेहतर बनाना चाहते हों और बहुत सारे साइंटिफिक मेथड में आज शेयर करने वाले हैं जिससे आप पढ़ के समझ के और इसे अप्लाई करके वाकई अपने फिजिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। चार ऐसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक प्रूवन मेथड शेयर करूंगा जिससे आप अभी से अपना के अपने फिजिक्स को बेहतर कर सकते हैं और कम से कम मिनिमम बात कर रहा हूं, मिनिमम आप 150 प्लस स्कोर करेंगे ही करेंगे। द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड रेसिप्रोकल अप्रोच। सो व्हाट इज द रेसिप्रोकल अप्रोच, जो कि मैंने भी किया था, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। रेसिप्रोकल अप्रोच का मतलब है कि आप आप जैसे वर्क एनर्जी पावर है, ग्रेविटेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को पिक करिए। आपने देखा होगा पेपर में मैक्सिमम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, थ्योरेटिकल बहुत ही कम होते हैं। तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन पिक किया, लेट सपोज आपने 20 क्वेश्चन पिक किए और उस 20 क्वेश्चन को करना शुरू किया। आपने कभी ना कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ाई होगा अपनी ज़िंदगी में, तो जैसे लेट सपोज आपने फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई किया और आपसे नहीं हुआ, तो आप उस फर्स्ट क्वेश्चन में जो भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, जो भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट लगे हैं उसे आप बुक से रिवाइज करिए, बुक से बेहतर तरीके से रिवाइज करिए और रिवाइज करके एक सेपरेट नोटबुक बना लीजिए कि मैंने ये क्वेश्चन करा था और इस क्वेश्चन के अंदर ये वाले कंसेप्ट और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ। एंड दैट्स कॉल्ड रेसिप्रोकल अप्रोच, और ये काफ़ी कमाल का है जिससे आप अपने MCQ ओरिएंटेड होते हुए भी आप थ्योरी का ज्ञान अर्जित करेंगे। और ये मेथड मैंने भी अप्लाई किया था और बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं और फिजिक्स को बेहतर बनाते हैं। आपको अभी से ही ये रेसिप्रोकल अप्रोच ना लेना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप्स है फोकस ऑन कंसेप्ट। कंसेप्ट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कंसेप्ट पे फोकस नहीं करेंगे आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी इम्पॉर्टेंट MCQ कर लीजिए बट जब तक आपको उसका कंसेप्ट नहीं पता होगा तो आप उसका क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो इसलिए ट्राई करिए कि आप कंसेप्ट ओरिएंटेड फिजिक्स को पढ़िए, ना ही रट्टू तोता की तरह रट गए डेरिवेशन, रट गए फॉर्मूला और बस अप्लाई कर दिया। ऐसा नहीं होता है जब तक, क्योंकि अब नीट का पेपर जो है बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल ओरिएंटेड हो चुका है। जब तक आपको कंसेप्ट नहीं आएगा आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ट्राई करिए कि कंसेप्ट ओरिएंटेड काम करना चाहिए आपको, तो कंसेप्ट पे फोकस करना चाहिए। सारे इम्पॉर्टेंट जैसे मान लीजिए कि कोई भी चैप्टर है तो उसमें कौन सा डेरिवेशन लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट ओरिएंटेड काम करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि अभी से आप एक सेपरेट नोटबुक बना लीजिए फॉर द इम्पॉर्टेंट फार्मूला, डेरिवेशंस और कंसेप्ट, तीनों का एक ही। हम लास्ट में इस बच्चों को बताते हैं कि आप अलग से सेपरेट नोटबुक बना लीजिए, बट अभी से ऐसा नोटबुक बना लीजिए जिसमें जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कौन से फॉर्मूले हैं, कौन सा कंसेप्ट है, कौन सा फैक्ट है, जिसे आप उसे बार बार रिवाइज कर सकें। तो मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर द इम्पॉर्टेंट फार्मूला, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो एग्ज़ाम में रेलिवेंट हो और एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो और एग्ज़ाम में पूछा जा सके। तो इसको आपको बना लेना चाहिए, अभी से आपको बना लेना चाहिए, राइट। तो ये तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट टिप्स है दैट इज़ कॉल्ड PIQ टैगिंग सिस्टम। PIQ टैगिंग सिस्टम क्या होता है कि आपने मतलब कि इसे अभी से भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने लेट सपोज 2020 का पेपर उठाया और 2020 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, तो ये फॉर्मूला का शीट बना लेना अभी से, ठीक है। तो इसे 15 दिन में या 7 दिन में एक बार अपना सकते हैं कि 7 दिन में आपने 7 दिन में एक पेपर लिया और इसके फिजिक्स के सारे फॉर्मूला को एक सेपरेट नोटबुक में कर लीजिएगा और देखिएगा कि इससे क्या होगा कि जब आप 15 साल का क्वेश्चन का एक फॉर्मूला शीट बना लेंगे तो उसी क्वेश्चन, मतलब देखिए कंसेप्ट सेम रहते हैं। आप नीट का कोई भी पेपर देखेंगे ऑलमोस्ट कंसेप्ट आर द सेम, बस थोड़े से ट्विस्ट हो जाते हैं, फॉर्मूला उसमें सेम ही लगता है। तो अगर आप फॉर्मूला
का शीट एक बना लेंगे तो आपको मतलब फिजिक्स बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप अभी से अपनाएंगे तो आप देखेंगे एक दो महीने में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। तो वीडियो कैसे लगे इसकी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि रेड कलर का जो बटन है उसे दबा दीजिए और बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।